क्या ईगोर स्टीमैच सैक हो रहे हैं? क्या ईगोर स्टीमैच इंडिया को छोड़ रहे हैं एज एन इंडियन नेशनल टीम कोच? इस पे फाइनल वर्डिक्ट आ चुकी है एंड कहना पड़ेगा कि AIFF इज वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस रन फेडरेशन इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन एशिया. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोज मिलती रहती हैं. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार. सो पिछले 3-4 दिन से सिंस अवर अफगानिस्तान डिफीट न्यूज चल रही है कि ईगोर स्टीमैच को हटाया जाए. स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ने भी दबाव बनाया AIFF के ऊपर एंड AIFF की टेक्निकल कमेटी भी राजी थी कि ईगोर स्टीमैच को सैक कर दिया जाए. बट एक नई चीज निकल के आ गई कल मीटिंग में कि फेडरेशन को 6 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे एज अ कॉम्पनसेशन फीस टू ईगोर स्टीमैच. अब इसके ऊपर भी अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग झोल सामने आ रहे हैं. पहले ये कहा जा रहा था कि जो 6 करोड़ है वो अभी नहीं दे सकती ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो हमारी हेड है फुटबॉल की इंडिया में, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं. अगर उनको सेंटर से ही 50 करोड़ मिलते हैं तो वो उसमें से 6 करोड़ अगर ईगोर स्टीमैच को दे देंगे तो उनका ये साल का 6 से 8% बजट हो गया जो उनको देना पड़ेगा ईगोर स्टीमैच को. बट कल की जो मीटिंग थी फ्राइडे की, जिसमें AIFF के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे ने 5 मेंबर कमिटी बनाई थी डिस्कशन करने के लिए ईगोर स्टीमैच के साथ, उसमें ईगोर स्टीमैच को अभी कुवैत वाला फिक्चर भी दे दिया है एंड उनको कहा है कि आपका ये आखिरी फिक्चर हो सकता है इंडियन फुटबॉल टीम के कोच के नाते, एंड आपके अगर वो हक में नहीं गया वो मैच तो आप फिर हट जाना. बट मोस्ट प्रोबेबली ईगोर स्टीमैच कतर वाले मैच में भी हमारे कोच रहेंगे, क्योंकि 3-4 दिन बाद ही कतर वाला मैच है एंड आई डोंट थिंक के इन क्वालिफायर्स के ख़त्म होने से पहले ईगोर स्टीमैच सैक होंगे. अगर कुवैत वाला मैच भी हम हार गए, स्टिल आई थिंक कतर वाला मैच भी उनको दिया जाएगा. चाहे हम कतर वाला मैच एक 0 वैल्यू से खेलेंगे क्योंकि हम तब तक बाहर हो चुके होंगे राउंड 3 से. बट अब इसमें एक नई चीज़ जो निकल के आ रही है, झोल जो निकल के आ रहा है AIFF का, उसमें ये है कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ईगोर स्टीमैच को, एक्सटेंशन दिया गया था, उसमें एक क्लॉज हटा दिया गया था शाहजी प्रभाकरन एंड निरंजन भट्टाचार्य ने हटा दिया गया था कि आप बीच में ईगोर स्टीमैच का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते, आपको उनको कंपनसेशन देनी पड़ेगी. अब दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो निरंजन भट्टाचार्य ने ये कहा है आज कि अगर AIFF चाहे तो वो बीच में ही अभी इसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकती है ईगोर स्टीमैच का एंड उनको कोई कॉम्पनसेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी. ये हमारे ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं शाहजी प्रभाकरन एंड निरंजन भट्टाचार्य के ऊपर, क्योंकि AIFF खुद ही सैग नहीं करना चाहती है ईगोर स्टीमैच को. मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट करना है, उसमें भी आपके 6 करोड़ आ रहे हैं एक्स ऑफिशल्स ने क्या कर दिया AIFF के, वो बीच में आप डाल रहे हो, फिर वो कुछ और कह रहे हैं. मतलब टोटली झोल है. एक इंसान का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, उसमें भी आपको 2 से 3 तरह के झोल दिखाई दे रहे हैं, एक्सक्यूजेस दिखाई दे रहे हैं. तो AIFF कितनी ज़्यादा सीरियस है इंडियन फुटबॉल को लेके वो हमारे को पता चल रहा है. बट अल्टीमेटम यही है ईगोर स्टीमैच को कि कुवैत वाला फिक्सचर उनको मिल चुका है. अब न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि आई लीग प्लेयर्स लेके जाएंगे ईगोर स्टीमैच कैंप में अहेड ऑफ कुवैत क्लैश एंड उन्होंने 3 हफ्ते का कैंप भी मांगा है FSGL से एंड AIFF से बिफोर कुवैत मैच. एंड अब देखने वाली बात ये है कि आई लीग के प्लेयर्स लेके जाएंगे ईगोर स्टीमैच. क्या सच में ये न्यूज़ जैसा ही होगा जैसे ये न्यूज़ सुनने को मिल रही है? क्योंकि आई डोंट थिंक कि आई लीग के प्लेयर्स इतने अच्छे हैं अभी के वो सीधा ही इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करें एंड फिर वो कुवैत को हरा भी दें. अब ये देखने वाली बात है कि किस बुद्धि से ईगोर स्टीमैच कुवैत वाले मैच में जाते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या प्लेयर्स होते हैं. बट एक मैच और मिल चुका है ईगोर स्टीमैच को, या प्रॉबेबली 2 मैचेस अगर देखा जाए तो, क्योंकि कुवैत वाला हार के भी आई डोंट थिंक उसके बाद सैक कर दिया जाएंगे अनटिल अवर लास्ट मैच एंड्स विच इज अगेंस्ट कतर. एंड देखने वाली बात अब ये है कि क्या बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं ईगोर स्टीमैच का, नहीं कर सकते हैं. कमिटीज बना दी जाती है अननेसेसरीली, यहाँ पे क्विक डिसीजंस होते नहीं हैं, जैसे हमारी जुडिशरी में इंडिया की नहीं होते हैं वैसे ही AIFF में भी क्विक डिसीजंस नहीं हो पा रहे हैं. वेल लेट्स सी के ये बिल्डअप होके कहाँ जाता है ये फ्रस्ट्रेशन इंडियन फुटबॉल फैंस का. इंडियन फुटबॉल फैंस काफ़ी खुश थे जब पता चला कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बीच में दखल दे रही है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी दे रही है.
बट AIFF उनके अपने ही मसले हैं, उनकी अपनी ही पॉलिटिक्स चलती है। एंड लेट्स होप कि अब इगोर सीमैच को अगर एक मैच और दिया गया है तो उस पर वो प्रूव करें अपने आप को, क्योंकि हम चाहते हैं डेस्परेटली कि हमारी टीम राउंड 3 में जाए, जहाँ पे हम कभी भी नहीं गए हैं आज तक। हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस हैं। सीनियर प्लेयर पॉलिटिक्स भी निकल के आ रही है। तो देखा जाए तो ओवरऑल इस वक्त इंडियन फुटबॉल सिनेरियो इज इन वर्स कंडीशन देन एवर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन कमिंग मंथ्स, इन कमिंग वीक्स। तो यही थी आज की वीडियो। डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग इगोर सीमैच सिचुएशन। एंड ISL भी स्टार्ट हो रहा है, टाइटल रेस देखने को मिलेगी हमारे को। क्या आपकी उसके ऊपर थॉट्स है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, पीस आउट, बाय।